हेलो गाइस, वेलकम टू पिकी ट्यूटोरियल्स। और हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक से क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। और आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 2 इस चैप्टर के ऊपर। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में देखे थे कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है और उसमें कौन से की एरियाज़ की इश्यूज़ है जिस पर हम लोग फोकस करते हैं, ये हमने देखा था पिछली वीडियो में। ये 5 की इश्यू हम लोग ने देखा था और इसका डेफिनेशन देखा था रूरल डेवलपमेंट का। आज का जो वीडियो है पार्ट 2, आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। क्रेडिट का क्या रोल है रूरल डेवलपमेंट में वो हम लोग देखने वाले हैं। मार्केटिंग जो टॉपिक है वो हम लोग पार्ट 3 में करेंगे, आज के लिए सिर्फ होगा क्रेडिट। शुरू करते हैं क्रेडिट को। क्रेडिट का मतलब सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि लोन। बैंक किसी को लोन देती है, मतलब वो क्या हुआ, वहाँ पे क्रेडिट हो गया वो। तो लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। तो रूरल इकोनॉमी डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होगा, समय समय पर उसमें कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट करते रहना होगा उसमें, और कैपिटल मतलब पैसे के जरिए मतलब क्रेडिट देते रहना होगा उसको। और क्रेडिट देंगे तो क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, हमें हायर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगा बोथ इन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों में ही रूरल इकोनॉमी में। तो ये पहला एडवांटेज हुआ क्रेडिट का। क्रेडिट से पहला एडवांटेज क्या होता है कि इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर इन रूरल इकोनॉमी। तो ये पहला एडवांटेज हुआ। और क्या होता है क्रेडिट से एडवांटेज, एज द टाइम जेस्टेशन बिटवीन, जेस्टेशन का मतलब होता है पीरियड। तो एज द टाइम पीरियड बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम आफ्टर प्रोडक्शन इज क्वाइट लॉन्ग। तो चूँकि फसल को बोने का बाद और उससे कटाई के बाद बेच के जो इनकम आता है, तो इस दोनों काम के बीच में जो समय अंतराल है वो काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी लंबा समय होता है। फसल को बोना, फिर वो कब बड़ा होगा, फिर काट के फिर उसको बेचना, फिर जाके जो पैसा आएगा, तो इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उस टाइम में सर्वाइव करने के लिए किसान क्या करते हैं, फार्मर्स बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेज से फार्मर क्या करते हैं, उधारी में पैसे लेते हैं टू मीट देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इम्प्लीमेंट्स एंड अदर फैमिली एक्सपेंसेस ऑफ मैरिज, डेथ, रिलीजियस सेरेमनीज एट्सेट्रा। और फार्मर्स उधार लेके करते क्या है, इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या चीज़ पर, सीड्स में बीज खरीदते हैं वो, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, कुछ इम्प्लीमेंट्स खरीदते हैं, औजार खरीदते हैं, और फैमिली के कुछ और भी खर्चे हुए जैसे कि शादी हो गया, किसी का मौत हो गया, या फिर कोई भी रिलीजियस त्यौहार हो गया, तो उन सब में खर्चे के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्रेडिट का पहला रोल क्या हुआ, नंबर 1 इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, और दूसरा रोल क्या हुआ, चूँकि टाइम जेस्टेशन मतलब टाइम पीरियड बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम इज क्वाइट लॉन्ग, चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो फार्मर्स लोन लेते हैं टू मेक इन्वेस्टमेंट इन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इम्प्लीमेंट्स एंड अदर फैमिली एक्सपेंसेस, ये सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फिलहाल फर्स्ट पैरा में हमें इतना ही पता चला कि क्रेडिट का 2 रोल है फिलहाल के लिए, ये आपको दिमाग में रखना है। तो इसको हम आगे चल रहे क्वेश्चन आंसर में भी इंक्लूड किए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको अरेंजमेंट में मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एक्सप्लॉइटेड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स बाय लेंडिंग टू देम एट हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स टू कीप देम इन डेब्ट ट्रैप। तो जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था तब मेनली मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स और लैंडलॉर्ड्स, ये जो 3 लोग थे, तो ये लोग क्या करते थे, छोटे और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर किसको बोलते हैं, ऐसा किसान जिसके पास 1 to 2 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन हो उसको बोलते हैं स्मॉल फार्मर्स। और मार्जिनल फार्मर किसको बोलते हैं, जिसके पास लेस देन 1 हेक्टेयर तक का ज़मीन हो उसको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। तो ये 2 फार्मर मेनली उधारी में पैसे लेते हैं। तो ये जो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको काफ़ी एक्सप्लॉइट करते थे, तंग करते थे। कैसे तंग करते थे, उनको जो पैसा देते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाई होता था उसका, और मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स, कैसे भी करके हिसाब किताब में फंसा कर उन लोगों को लोन से छुटकारा जल्दी पाने नहीं देते थे, उसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप, फंस जाते थे वो लोग जो लोन लेते थे। तो अ मेजर चेंज ऑकर्ड आफ्टर 1969 व्हेन इंडिया अडॉप्टेड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच टू एडिक्वेटली मीट द नीड्स ऑफ रूरल क्रेडिट। तो 1969 के बाद काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है इस सिस्टम में। 1969 में क्या हुआ था, तब हमें इंडिया क्या अडॉप्ट किया, सोशल बैंकिंग अडॉप्ट किया और मल्टी एजेंसी अप्रोच, कई सारे एजेंसी को लाया गया लोन देने के लिए रूरल इकोनॉमी में। हम लोग देखेंगे कौन से मल्टी एजेंसी है जो लोन देते हैं रूरल एरियाज़ में।
फिलहाल के लिए आपको याद क्या रखना है, हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, रूरल क्रेडिट, कहाँ कहाँ से लोग लोन लेते हैं रूरल एरियाज़ में। तो सबसे पहला सोर्स हम लोग क्या देखें, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, ये आप सिर्फ आपको इतना याद रखना है बस, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स एक सोर्स ऑफ क्रेडिट है। और उसके बाद लेटर द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नबार्ड बोलते हैं, वॉज सेट अप इन 1982 एज एन एफएक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, 1982 में एक नबार्ड बोल के इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया, ये हेड बॉडी है, मतलब रूरल एरियाज़ में जितना भी किसी को लोन दिया जाता है उन सब का देख रेख कौन रखेगा, ये नबार्ड रखेगा, और ये 1982 में सेटअप किया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपको एग्जाम के लिए कि वेन वॉज नबार्ड सेटअप, तो इन 1982 आपको याद रखना है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये एक एपेक्स बॉडी है, सबसे हेड बॉडी है, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन, बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, चाहे आपका हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर रीजनल रूरल बैंक या फिर कमर्शियल बैंक, जितने भी रूरल एरियाज़ में बैंक है उन सब का एक्टिविटीज़ को ये कोऑर्डिनेट देख रेख करता है, सब में सामंजस्य बैठवाता है, मतलब सबको अच्छे से काम करवाता है, ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम, वही रूरल एरियाज़ में जितने भी लोन देने के लिए इंस्टीट्यूशन से उन सब का एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ये उसका हो गया फंक्शन। तो आपको दो बात याद रखना है नबार्ड के बारे में, सबसे पहले तो नबार्ड का फुल फॉर्म आप याद रखिए, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन एपेक्स बॉडी है रूरल एरियाज़ में जो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो आपको याद रखना होगा नबार्ड होता है उसका आंसर। और ये सेटअप कब किया गया था, 1982 में, और इसका फंक्शन, ये तीन बात आप याद रखिए नबार्ड के बारे में। अब आगे देखते हैं, द ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज अ हार्बिंजर ऑफ मेजर चेंजेस इन द क्रेडिट सिस्टम एज इट लेड टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट टूवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया, क्या चेंजेस आया कि रूरल क्रेडिट, पहले जो लोन दिया जाता था वो अलग अलग पर्पस के लिए लोन दिया जाता था, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद क्या हो गया, ज़्यादा प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग शुरू हो गया, अगर आपको प्रोडक्शन के लिए लोन चाहिए तो जल्दी से आपको लोन मिलता था, ग्रीन रिवोल्यूशन से ये चेंज आया। और बाकी यहाँ पे कोई काम का बात है नहीं, आगे देखते हैं, द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग टूडे कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि रूरल एरियाज़ में रूरल बैंकिंग में हमें बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस, और कौन से उसमें इंस्टीट्यूशंस आते हैं, तो ये आपका नाम याद रखना है, सबसे पहले तो कमर्शियल बैंक आते हैं जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, नंबर टू रीजनल रूरल बैंक, ये भी क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, नंबर थ्री कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, और नंबर फोर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, तो ये लोग भी क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब हो गया हम लोग का इंस्टीट्यूशंस, और दे आर एक्सपेक्टेड टू डिस्पेंस एडिक्वेट क्रेडिट एट चीपर रेट्स, और इनका मेन काम क्या होता है, लोन तो देना ही है लेकिन काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट में लोग लोन देते हैं। और रिसेंटली हाल फिलहाल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसको SHG बोलते हैं शॉर्ट में, हैव इमर्ज्ड टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। तो इन सब जो ये जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव, ये लोग में अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकमिंग्स, काफ़ी खामियाँ हैं, तो उस खामी को दूर करने के लिए अभी रिसेंटली क्या इमर्ज हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आ चुका है। अब क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप, अभी देखते हैं हम लोग। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का सबसे पहला काम हम लोग देख रहे हैं कि ये फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, मतलब ये लोग जो लोन देता है उसको बोलते हैं फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, इन लोग का लोन में कुछ कमी आया था, कुछ गैप आया था, उस गैप को ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कम कर देता है। वो गैप क्या क्या था, बिकॉज द फॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म हैज़ नॉट ओनली प्रूवन इनएडिक्वेट बट हैज़ ऑल्सो नॉट बीन फुल्ली इंटीग्रेटेड इन टू द ओवरऑल रूरल सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ये जो हमारा फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम था, उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का मतलब समझ में आ रहा होगा, मतलब ये लोग जो इंस्टीट्यूशन है इसको बोलते हैं फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। तो ये लोग जो लोन देते हैं, तो ये लोग का लोन देने का सिस्टम को बोलते हैं फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। तो ये जो सिस्टम था वो हाईली क्या था, इनएडिक्वेट था, सबको लोन नहीं दे पा रहा था। क्यों सबको लोन नहीं दे पा रहा था, सिंस सम काइंड ऑफ कोलैटरल इज रिक्वायर्ड, वास्ट प्रोपोर्शन ऑफ पुअर रूरल हाउसहोल्ड्स वर ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द क्रेडिट नेटवर्क। क्योंकि आप जब भी लोन देने जाइएगा तो आपको क्या जमा करना होगा, कोलैटरल, मतलब कुछ गिरवी देना होगा तभी आपको लोन मिलेगा। तो ये गिरवी का शर्त रख के ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पुअर जो हाउस होल्ड है वो लोग इस सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि गरीब लोग के पास कुछ गिरवी रखने के लिए है ही नहीं, कुछ कोलैटरल है ही नहीं उनके पास, तो इसलिए वो लोग वहाँ से फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से लोन नहीं ले पाते हैं। तो ये शॉर्टकमिंग था फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का।
तो इस शॉर्टकमिंग को दूर किसने किया? सेल्फ हेल्प ग्रुप आके। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप करता क्या है? द एस एच जीज प्रमोट थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट मतलब सेविंग, ये प्रमोट करता है सेविंग्स इन स्मॉल प्रोपोर्शन बाई अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है सबसे पहले, तो जितने भी मेंबर होते हैं वो लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा सेविंग्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर फ्रॉम द पूल्ड मनी, और जो पैसा इकट्ठा हुआ उसको बोलते हैं पूल्ड मनी, उस पैसे से क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर्स। तो जरूरतमंद मेंबर्स को, जो SHG का मेंबर है उसी को उस पैसे में से लोन दिया जाएगा। नीडी मेंबर्स टू बी रीपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट, और उसको चुकाना कैसे होगा? छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में चुकाना होगा एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, और थोड़ा ठीक ठाक से इंटरेस्ट रेट होगा, कम ही होगा। तो बाय मार्च एंड 2003, तो ये आपको याद रखना है इसका फंक्शन, SHG का फंक्शन। बाय मार्च एंड 2003 मोर देन 7 लाख SHG हैड रिपोर्टेडली बीन क्रेडिट लिंक्ड। क्रेडिट लिंक का मतलब क्या होता है? देखिए, ये SHG क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं और अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं, SH सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम से ही अकाउंट खुलवा लेते हैं via NGO इनको हेल्प करते हैं अकाउंट खुलवाने में, और फिर लोन ले लेते हैं। तो ये लोग जो लोन लेंगे वो SHG का ही नाम पे लोन लेंगे, तो उसी को बोलते हैं ये लोग क्या हो गए, क्रेडिट लिंक्ड हो गए, मतलब बैंक से जुड़ गए हैं ये लोग, उसको बोलते हैं क्रेडिट लिंक्ड। तो 2003 तक, बाय द एंड ऑफ मार्च 2003, मोर देन 7 लाख SHG ऐसे थे जो बैंक से जुड़ गए थे, मतलब क्रेडिट लिंक्ड हो गए थे। सच क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली रेफर टू एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो SHG जो है वो अपने मेंबर्स को लोन देता है फ्रॉम द पूल्ड मनी, तो इस लोन देने का सिस्टम को ही बोलते हैं माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, तो इसको हम क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे अभी। SHGs हैव हेल्प्ड इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। और एक फंक्शन क्या है SHG का, कि इससे वुमेन और जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उसको क्या मिला है, एम्पावरमेंट मिला है, वो लोग भी अब थोड़ा मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। इट इज़ एलेज्ड दैट द बोरोइंग्स आर मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पस। लेकिन एक खामिया भी है, एक बुराई भी है, कि क्या जो लोग ये लोग उधार लेते हैं वो मेनली क्या चीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, कंजम्पशन पर्पस के लिए, खुद का यूज़ करने के लिए पैसा ख़त्म कर लेते हैं, कुछ प्रोडक्टिव पर्पस के लिए बोरोइंग्स को यूज़ नहीं करते हैं, तो ये एक बुराई है इसका। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है वो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ पर रोल ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट, वो हमने देखा दो रोल प्ले करता है वो, और उसके बाद हम लोग देख रहे थे सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज, कौन कौन से सोर्सेज से हमें लोन मिलता है रूरल एरियाज में। तो सबसे पहला सोर्स क्या था, मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स। तो ये जो मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ये कोई इंस्टीट्यूशन में नहीं आते हैं इसलिए इनको नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बोलते हैं। उस पर आता है मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स, रिलेटिव, स्टूडेंट्स, ये सब आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। उसके बाद हम लोग देखे थे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कौन कौन सा आता है, मेनली इंस्टीट्यूशंस। आपको पता है इंस्टीट्यूशन कौन से है, इंस्टीट्यूशन है हमारा कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब आता है हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में। और इन सब का निगरानी कौन रखता है, कि ये लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब देखभाल कौन करेगा? तो ये सब देखभाल करने के लिए हमारे पास एक एपेक्स बॉडी है जिसका नाम है नबार्ड। तो नबार्ड का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, और ये सेटअप कब किया गया था, 1982। इससे पहले ये सब देखभाल कौन कर रहा था, RBI देखभाल कर रहा था। तो RBI ने सारा फंक्शन, रूरल एरियाज का सारा फंक्शन इसको सौंप दिया है नबार्ड को। तो अब ये देख रेख करता है कि सब इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम कर रहे कि नहीं, तो सबका एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, कीवर्ड है कोऑर्डिनेट। तो हम लोग ये देखिए सोर्सेज ऑफ क्रेडिट दो था, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आपका आता है मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, ये सब आते हैं। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कौन से आते हैं, हमारा इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब आपको याद रखना है, तो इसको हम क्वेश्चन आंसर में भी अच्छे से लिखे हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि SHG का क्या फंक्शन है, वो कैसे काम करता है, तो वो हम लोग देख लिए थे। और SHG जो अपने मेंबर्स को लोन देता है, तो उस लोन देने को प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में सीधे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। तो इसको हम क्वेश्चन आंसर में लिखे हुए, वहाँ पे आपको अरेंजमेंट में मिल जाएगा। और SHG का एक और एडवांटेज क्या है, कि इससे वुमेन एम्पावरमेंट हो रहे हैं। तो इतना सब आपको याद रखना है। अब आते हैं अगला जो सब टॉपिक है उस पर। अगला जो सब टॉपिक है वो है रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल अप्रेजल। रूरल बैंकिंग का क्या फ़ायदा मिला, क्या डिसएडवांटेज रहा,
और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पे तीन पैरा दिया हुआ है। ये है पहला फर्स्ट पैरा में इस पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताया गया है, सेकेंड पैरा में नेगेटिव एस्पेक्ट बताया गया है, और थर्ड पैरा में फ्यूचर स्कोप, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं कुछ सजेशंस वो बताया गया है। तो देखते हैं, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन रूरल फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट। बैंकिंग सिस्टम काफ़ी रैपिडली एक्सपेंड किया है, बहुत तेज गति से बढ़ा हुआ है रूरल एरिया में, तो इसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट दोनों में। इनकम भी बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, और आउटपुट भी बढ़ा है। आउटपुट फार्म एरिया का भी बढ़ा है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का भी आउटपुट बढ़ा है। अब ये फार्म और नॉन फार्म क्या होता है पार्ट वन में बहुत अच्छे से बता चुके हैं, स्पेशली आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन। खासकर से ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद इट हेल्प द फार्मर्स टू अवेल सर्विसेज एंड क्रेडिट फैसिलिटीज एंड अ वैरायटी ऑफ लोन्स फॉर मीटिंग देयर प्रोडक्शन नीड्स। आपको पता है ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग था वो काफ़ी इंक्रीज हो गया था, तो वैरायटी ऑफ लोन्स मिलने लगा, क्रेडिट फैसिलिटी मिलने लगा फॉर मीटिंग देयर प्रोडक्शन नीड्स। ये पहला एडवांटेज हुआ। पहला एडवांटेज तो क्या था कि फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट इंक्रीज हुआ, इनकम इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, क्रेडिट फैसिलिटी ज़्यादा मिलने लगा, वैरायटी ऑफ लोन्स ज़्यादा मिलने लगा, और फेमाइंस बिकेम इवेंट्स ऑफ द पास्ट। फेमाइंस मतलब भुखमरी, खाना का कमी को बोलते हैं फेमाइंस। तो फेमाइंस तो बीते हुए समय का बात हो गया, फेमाइंस अब नहीं आ रहा था। वी हैव नाउ अचीव्ड फूड सिक्योरिटी। अब हमारे पास फूड सिक्योरिटी आ गया था। फूड सिक्योरिटी मतलब खाना पर्याप्त हो, उसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी, खाना की कमी ना हो। विच इज रिफ्लेक्टेड इन द एबंडेंट बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स। और हमारे पास फूड सिक्योरिटी आया है, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बफर स्टॉक है ग्रेन्स का, मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स यूज नहीं होता है फिलहाल कंजम्पशन के लिए, तो उसको हम लोग एक जगह स्टोर कर देते हैं ताकि फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें। तो उस स्टोर्ड प्रोडक्ट को बोलते हैं बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, तो वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब हमारे पास क्या है? फूड सिक्योरिटी है। हाउएवर ऑल इज़ नॉट वेल विथ आवर बैंकिंग सिस्टम। लेकिन हमारे बैंकिंग सिस्टम के साथ सभी अच्छा नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इस पैरा में हम लोग कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे हैं रूरल बैंकिंग का, ठीक है। तो तीन पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या है? फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट इंक्रीज हो गया है, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इंक्रीज हो गया है। नंबर टू, क्रेडिट फैसिलिटीज एंड वैरायटी ऑफ लोन्स आर इजिली अवेलेबल टू द फार्मर्स स्पेशली आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन। ये नंबर टू था। और नंबर थ्री, वी हैव अचीव्ड फूड सिक्योरिटी विच इज रिफ्लेक्टेड इन द एबंडेंट बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स। ये था तीसरा बेनिफिट। अब आते हैं कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में। विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड टू डेवलप अ कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। तो कुछ कमर्शियल बैंक को छोड़ के जितने भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका कोऑपरेटिव ले लीजिए, या फिर रीजनल रूरल बैंक ले लीजिए, या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो वो लोग क्या फेल हो गए हैं टू डेवलप अ कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का कल्चर वो लोग नहीं कर पाए हैं। अब डिपॉजिट मोबिलाइजेशन क्या होता है? डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का मतलब होता है लेंडिंग टू वर्थवाइल बोरोवर्स एंड इफेक्टिव लोन रिकवरी। ऐसे लोगों को उधार देना जो लोग जरूरतमंद हो, मतलब वर्थवाइल बोरोवर्स, जो लोग सही सटीक जरूरतमंद लोगों को उधार देना उसको बोलते हैं वर्थवाइल बोरोवर्स, और इफेक्टिव लोन रिकवरी, और उधार देने के बाद फिर से वापस से रिकवरी भी हो जाए लोन। तो ये दो प्रोसेस को बोलते हैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। तो बाकी जितने भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से कमर्शियल बैंक को छोड़ के वो लोग इस प्रोसेस को अच्छे से नहीं कर पाए हैं, उधारी किसी और को दे देते हैं जिसको जरूरतमंद ना हो, या फिर लोन रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो ये पहला शॉर्टकमिंग्स है। एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट्स हैव बीन क्रॉनिकली हाई। तो लोन जो नहीं पे कर सकते हैं उसको बोलते हैं लोन डिफॉल्ट रेट, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, बहुत सारे लोग लोन रीपे नहीं कर पाते हैं। तो वाई फार्मर्स फेल टू पे बैक लोन्स। तो ऐसा क्यों होता है कि फार्मर्स लोन पे नहीं कर पाते हैं? इट इज़ एलेज दैट फार्मर्स आर डेलिबरेटली रिफ्यूजिंग टू पे बैक लोन्स। ऐसा प्रतीत होता है कि ये बोला जाता है कि फार्मर्स जानबूझ के लोन पे नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि समय समय पर आप न्यूज़ पे भी सुनते हुए कि कोई पॉलिटिशियन आता है और लोन क्या कर देता है, वेव कर देता है, लोन माफ़ कर देता है किसानों का। तो किसान इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगा और हमारा लोन वेव हो जाएगा, तो इसलिए वो लोग जानबूझ के लोन पे नहीं करते हैं। तो ऐसा कल्चर चलना शुरू हो गया है हमारे रूरल एरिया में, तो इसीलिए जो लोन डिफॉल्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये था शॉर्टकमिंग्स। तो कुछ उपाय क्या है इसको सुधारने के लिए? दस, द एक्सपेंशन एंड प्रमोशन ऑफ द रूरल बैंकिंग सेक्टर हैज़ टेकन अ बैक सीट आफ्टर रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स के बाद हम लोग का जो रूरल बैंकिंग सेक्टर है उसका जो एक्सपेंशन और प्रमोशन वो उतना अच्छे से नहीं हुआ है रिफॉर्म्स के बाद। टू इम्प्रूव द सिचुएशन इट इज सजेस्टेड दैट
banks need to change their approach from just being lenders to building up relationship banking with the borrowers. तो बैंक को अपना अप्रोच चेंज करना होगा, बैंक को सिर्फ लेंडर ना बन के क्या बनना होगा, रिलेशनशिप बैंकिंग शुरू करना होगा बोरोवर्स के साथ, एक फ्रेंडली रिलेशन शुरू करना होगा बोरोवर्स के साथ. इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट का मतलब सेविंग्स होता है, सब में सेविंग्स का हैबिट आना चाहिए. एंड इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और जो लोन मिलता है जो या फिर जो पैसा होता है उसका इफिशियंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, यानी कि खा पी के सब उड़ा दिए. नीड्स टू बी इन्हेंस्ड एमोंग द फार्मर्स टू, तो ये दो हैबिट इनकलकेट करना होगा फार्मर्स में. और बैंक को अपना अप्रोच चेंज करना होगा फ्रॉम बींग लेंडर्स टू बिल्डिंग अप रिलेशनशिप बैंकिंग शुरू करना होगा बोरोवर्स के साथ. तो ये दो सजेशन है. पहला सजेशन क्या है, अपना अप्रोच चेंज करना होगा फ्रॉम लेंडर्स टू रिलेशनशिप बैंकिंग. एंड नंबर टू, जो फार्मर्स है उनको सेविंग्स हैबिट बनाना होगा और इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज करना होगा. तो ये देखिए हम लोग अगला जो टॉपिक है एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, ये हम लोग करेंगे पार्ट थ्री में. फिलहाल पार्ट टू को यहीं पर रहने देते हैं. अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के ऊपर. तो आइए आप कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं. पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, आज से करना है क्वेश्चन नंबर 2. लिखा हुआ है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट का क्या इंपॉर्टेंस है. तो हम तो देखे थे दो इंपॉर्टेंस है. पहला इंपॉर्टेंस क्या है, क्रेडिट इज नीडेड टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर. हायर प्रोडक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड नंबर 2, सिंस द टाइम पीरियड बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम आफ्टर प्रोडक्शन इज क्वाइट लॉन्ग. क्योंकि ये दो काम में टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा है, तो फार्मर्स बोरो करते हैं टू मीट देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंप्लीमेंट, ये सब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फार्मर्स बोरो करते हैं. तो यहाँ भी क्रेडिट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो दो रोल है आपका क्रेडिट का, तो ये आपको ध्यान रखना है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया, रूरल एरियाज में लोन देने के लिए कौन से सोर्सेस है. तो आपको पता है मेनली दो सोर्सेस है. पहला तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, इसमें आता है आपका मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स, रिलेटिव एटसेट्रा. और दूसरा आता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, जैसे कि कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तो ये आपको याद रखना है. अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे. व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हम पढ़ा रहे थे तभी बोले थे और क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल गया. और रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स आपको बताना है. तो सबसे पहले क्रेडिट प्रोविजंस मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू इट्स डिफरेंट मेंबर्स इज नोन एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स. सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अपने मेंबर्स को लोन देता है उस सिस्टम को बोलते हैं माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स. फिर इसका फंक्शन क्या है, तो इससे तो क्या होता है, द SHG प्रोमोट सेविंग्स इन स्मॉल प्रोपोर्शंस बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर. सभी मेंबर्स थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन करते हैं सेविंग्स करके. और फ्रॉम द पूल्ड मनी, और जो पैसा इकट्ठा हो गया है, क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर्स, जो जरूरतमंद है उसको लोन दिया जाता है. टू बी रीपेएबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट, और उसको चुकाना होता है छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, और काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट में चुकाना होता है. SHG इनेबल द इकोनॉमिकली पुअर इंडिविजुअल टू गेन स्ट्रेंथ एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप. पहले वो इंसान अकेला था तो उसमें कोई पावर नहीं था, लेकिन जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया तो वो ग्रुप के मेंबर होने के नाते उसके अंदर भी पावर में इंपावरमेंट आ जाता है. ऑल्सो द फाइनेंसिंग डन थ्रू SHG रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर बोथ लेंडर्स एंड बोरोवर्स. अब आपको कोई बोलेगा आप लोन ले जाइए, तो बैंक से लोन लेने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो, लेकिन SHG से लोन कोई लेने जाएगा तो थोड़ा सिंपल प्रोसेस होगा वो. तो इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट बच जाता है लेंडर्स का भी और बोरोवर्स का भी. तो ये एडवांटेज है माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स का. अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड. तो आपको पता है नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1982 में. और इसका फंक्शन क्या है, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम. जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबका एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, ये था नाबार्ड का फंक्शन. तो इतना बात आपको याद रखना है, बस यही है आज का वीडियो. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं. कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं. तो इतना ही है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 3 में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.